तो दोस्तों आज ये वीडियो मनोहर एच के बारे में है। हमारे इंडिया के सेकंड इंडियन बॉडी बिल्डर थे वो, जो कि मिस्टर यूनिवर्स के टाइटल को जीतने में कामयाब रहे थे। और ये उन्होंने 1952 के नेबा मिस्टर यूनिवर्स में करके दिखाया था। और 2016 में उनकी डेथ हो गई थी 104 साल की एज में। तो आज मैं कंप्लीट उनके बारे में जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा और बताऊंगा कौन थे मनोहर एच। तो दोस्तों कैसे आप सब, मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं हमारे सबसे पुराने इंडियन बॉडी बिल्डर मनोहर एच के बारे में। तो दोस्तों मनोहर एच की मैं पहले बताऊं कि उनकी हाइट बहुत कम थी, कद बहुत कम था, सिर्फ 4 फीट 11 इंच के थे वो, लेकिन इरादे उनके बहुत बुलंद थे। तो 17 मार्च 1912 में मनोहर एच का जन्म हुआ था। बंगाल के गाँव में पैदा हुए थे वो, जो कि कौमिला नामक एक क्षेत्र में आता था। तो उस वक्त वो बंगाल था, आज बांग्लादेश हो चुका है। और उस वक्त जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया का राज था, तो वहाँ पर एक गाँव में उनका जन्म हुआ था। तो अगर मैं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। और हम सबको मालूम होना चाहिए उस वक्त देश भर में गरीबी ही थी, तो जाहिर सी बात है एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। माता पिता उनके अनपढ़ थे, इलिटरेट थे। तो क्या हुआ कि 12 साल की उम्र में मनोहर एच को ब्लैक फीवर हो गया और काफ़ी बीमार पड़ गए वो। तो ब्लैक फीवर काफ़ी ख़तरनाक पैरासिटिक डिसीज़ है, मलेरिया के बाद सेकंड नंबर पे आती है। तो उस वक्त काफ़ी उनकी नाजुक स्थिति हो गई थी और काफ़ी बीमार हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे शरीर से वो। तो फिर मनोहर एच ने क्या करा, अपने आप को हील करने की कोशिश करी और ट्रेनिंग करते गए, एक्सरसाइज करते गए वो। और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ गेन करी, अपनी बॉडी की हेल्थ उन्होंने वापस कम्प्लीटली ठीक करी। तो मनोहर एच के जो हमेशा से उनके माइंड में था, जो उनका हमेशा से पैशन था, उनका शौक था, वो था स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी एक्टिविटी को करना, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, या स्ट्रेंथ से रिलेटेड किसी स्पोर्ट्स में खेलना, रेसलिंग करना या फिर बॉडी बिल्डिंग करना। हमेशा से उनका अंदर से यही था कि शरीर को बनाना है, अपने शरीर को बिल्डअप करना है, अपनी बॉडी को बिल्डअप करना है। तो ये उनका बचपन का इंटरेस्ट था। तो फिर मनोहर एच ने स्कूल में, वो पढ़ा करते थे, जुबली स्कूल था उनका ढाका में, तो वहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया। तो उस समय पर उनके पिताजी की जो तबीयत थी काफ़ी ख़राब हो गई और वो काम करने लायक नहीं रहे। तो इस वजह से फिर मनोहर एच के ऊपर घर का पूरा एक तरह से प्रेशर आ गया खाने कमाने का। और उस वक्त टीनेजर थे, स्कूल में पढ़ा करते थे वो, और उसी वक्त से उनको पैसा कमाना उनकी एक मजबूरी बन गई और उन्होंने उस टाइम से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था। उस टाइम कुछ इस टाइप के एक्ट्स परफॉर्म करा करते थे मनोहर एच, जो कि सर्कस में किए जाते हैं, या फिर जैसे लोग करते हैं कि अपने अपनी पूरी बॉडी को तलवार के ऊपर रख लेते हैं, पेट के बल अपनी बॉडी को टिका लेते हैं, या फिर स्टील को बैंड करना, रॉड्स को मोड़ना, या भाले को तोड़ देना। तो इस टाइप के स्ट्रेंथ वाले एक्ट्स वो परफॉर्म करा करते थे, सर्कस में काम करा करते थे, और ये इन सब चीज़ों में उनका बेसिकली इंटरेस्ट था। तो इस तरह से वो पैसा कमाया करते थे और अपने घर का इस तरह से पालन पोषण करते थे वो। तो मनोहर एच फिर यही करते रहे काफ़ी लंबे टाइम तक। उन्होंने ये सब करा कि सर्कस में काम करा या मैजिक शोज़ में काम करा और अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना, ये सब करना। तो 1942 में मनोहर एच ने रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन करी, जो उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर आती थी, और वहाँ पर एज अ फिज़िकल इंस्ट्रक्टर उन्होंने ज्वाइनिंग करी। तो वहाँ पर एक ऑफिसर हुआ करते थे RAF के ही, यानी रॉयल एयरफोर्स के, जिन्होंने कि मनोहर एच की फ़िज़िक को देखा और उन्होंने कहा कि तुम बॉडी बिल्डिंग करो, बॉडी बिल्डिंग के तरफ अपना आगे करियर परस्यू करो। तो मनोहर एच ने वहाँ से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी फिजिक को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया वहाँ से। तो उस समय पर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी महात्मा गांधी ने। उस टाइम पे क्या हुआ कि रॉयल एयरफोर्स में कोई ऑफिसर होगा, ब्रिटिश ऑफिसर, जिसने कि इंडिया के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या ख़राब बोल दिया, मनोहर एच को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया उसके, ब्रिटिश ऑफिसर के। तो फिर उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया, सज़ा सुनाई गई उनको 2-3 साल की या शायद उससे भी ज़्यादा। तो उस टाइम तक वो जेल में ही रहे। पर मनोहर एच जेल में जाने के बावजूद भी नहीं रुके, उन्होंने जेल में ही बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी और लगभग दिन में 12 घंटे बॉडी बिल्डिंग करा करते थे वो। और अपने बॉडी वेट को यूज़ करके ही वो बॉडी बिल्डिंग करते थे, कोई इक्विपमेंट्स वगैरह तो होते नहीं थे। तो उस टाइम पर पुशअप्स वगैरह करना या पुलअप्स लगाना इस तरीके से वो, या सिटअप्स करना, इस टाइप से वो एक्सरसाइज करा करते थे और अपनी बॉडी को उन्होंने वहाँ पर डेवलप करना कंटिन्यू रखा। तो जेल की अथॉरिटीज़ की नज़र पड़ी मनोहर एच के ऊपर और देखा कि इस पर्सन के अंदर कितना ज़्यादा वर्क एथिक है। तो उन्होंने इसलिए मनोहर एच को स्पेशल डाइट प्रोवाइड करी अलग से और दूसरी सुख सुविधाएं या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, ताकि वो अपनी बॉडी बिल्डिंग को जेल के अंदर ही कंटिन्यू रख पाएँ। फिर 1947 का ईयर आया और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो सभी इंडियंस जो भी जेल के अंदर थे सबको आज़ादी मिल गई, सब रिहा हो गए, मनोहर एच भी रिहा हो गए जेल से। उस समय पर हम सबको मालूम है कि गरीबी तो बहुत ज़्यादा थी देश के अंदर, खाने को भी नहीं था, तो फिर क्या करता कोई, और सब जगह गरीबी ही थी। तो मनोहर एच कोलकाता सेटल हो गए अपनी फैमिली को लेकर के, और वहाँ पर पैसा कमाने के लिए उन्होंने कोकोनट बेचने शुरू करे रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर। तो कोकोनट बेच के उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा वगैरह कमाया,
साथ ही साथ वो बॉडी बिल्डिंग शोज़ भी कर रहे थे, उसमें भी खेल रहे थे थोड़ा बहुत, ताकि वहाँ से पैसा आ सके। फिर पैसा वगैरह उनके पास इकट्ठा हो गया और 1950 में उन्होंने मिस्टर हरक्यूलिस का कॉम्पिटिशन खेला और उसको जीतने में कामयाब रहे। और वहाँ से मनोहरेज को पहचान मिली पॉकेट हरक्यूलिस की, क्योंकि जैसे कि उनकी हाइट बहुत कम थी, 4 फीट 11 इंच के थे वो और काफ़ी मस्कुलर दिखा करते थे उस समय के हिसाब से, तो उनको पॉकेट हरक्यूलिस का नाम दिया गया। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मनोहर एज की जो कमर थी, जो उनकी वेस्ट थी, वो सिर्फ 23 इंचेस की थी और चेस्ट उनकी 47 इंच की बताई जाती थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत अच्छी वी शेप देखने को मिलती थी। तो इस तरह से मनोहर एच बॉडी बिल्डिंग के शोज़ खेला करते थे और वहाँ से उनके पास पैसा आया करता था। फिर 1951 के मिस्टर यूनिवर्स को खेलने के लिए मनोहर एच लंदन चले गए और अपना सबसे पहला उन्होंने वहाँ पे शायद जहाँ तक है मिस्टर यूनिवर्स खेला पहली बार, और उसमें सेकंड प्लेस लेकर आए वो। मैं बताऊं कि उस टाइम पे फर्स्ट आए थे रेज पार्क, जो आर्नोल्ड के आइडल हैं 1951 के मिस्टर यूनिवर्स में, और हमारे एक और इंडियन बॉडी बिल्डर भी थे वहाँ पे मिस्टर यूनिवर्स कैटेगरी में, जिनका नाम था मोनोतोष रॉय। तो वो उसमें थर्ड डिवीजन के अंदर जीते थे एमेच्योर कैटेगरी में, लेकिन फर्स्ट तो रेज पार्क आए थे। तो फिर 1951 में सेकंड नंबर पे मनोहर एच थे उस टाइम पर, और सेकंड आने के बाद फिर लंदन से उनको वापस इंडिया जाना था, पर उन्होंने इंडिया ना जाने का फैसला करा और एक साल वहीं लंदन में रहने का फैसला करा, ताकि वो अगले साल का मिस्टर यूनिवर्स जीत पाए। और पूरे साल वो प्रिपेयर करते रहे, काफ़ी टफ उन्होंने प्रिपरेशन करी। फाइनली 1952 के मिस्टर यूनिवर्स को जीतने में मनोहर एच कामयाब रहे और इंडिया के सेकेंड मिस्टर यूनिवर्स चैम्पियन बने वो। फर्स्ट तो मनोतोष रॉय थे जैसे मैंने बताया, लेकिन मनोहर एच जीत गए थे 1952 में मिस्टर यूनिवर्स का कंपटीशन। और लकीली उस दिन उनका बर्थडे भी था, यानी 17 मार्च का दिन था, और काफ़ी फेमस हो गए थे मनोहर एच, पूरे इंडिया में उनका नाम हो गया। जब वापस लौटे तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट दोनों ने उनका वेलकम किया। तो इसके बाद मनोहर एच ने कई और बार कम्पीट करा मिस्टर यूनिवर्स के कॉम्पिटिशन में इस उम्मीद में कि फर्स्ट आएंगे, लेकिन उसके बाद कभी भी लाइफ में फर्स्ट नहीं आ पाए वो। थर्ड फोर्थ ये उनकी पोजीशन आती रही। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मनोहर एच ने गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं एशियन गेम्स के अंदर। सबसे पहले न्यू दिल्ली में जो हुआ था 1951 में, तो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जहाँ तक है रेसलिंग वगैरह में करा होगा जो भी उनकी कैटेगरी होगी, क्योंकि वो ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करते थे बल्कि कई सारे एक्ट्स परफॉर्म करा करते थे। और 1958 में टोक्यो के अंदर हुआ था एशियन गेम्स, तो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो 1960 के बाद से मनोहर एच ने फिर से सर्कस में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ट्रैवल करा करते थे अपनी फैमिली को लेकर के पूरे देश भर में, और सर्कस में एक्ट्स वगैरह परफॉर्म करते थे, अपनी बॉडी को शो ऑफ करते थे, या म्यूज़िक के साथ में पोजिंग करना, या फिर स्ट्रेंथ रिलेटेड एक्ट्स जो पहले से ही करते आ रहे थे तो वो सब करा करते थे। इसके बाद मनोहर एच ने अपना जिम खोला और उसमें उन्होंने बड़े बड़े इंडियन बॉडी बिल्डर्स को भी ट्रेन कर रखा है। मैं आपको बताऊं कि प्रेमचंद डोगरा या फिर प्रेमचंद डेगरा, जो भी उनका नाम है, तो उनको ट्रेन कर रखा है मनोहर एच ने, और वो 9 टाइम मिस्टर इंडिया हैं और मिस्टर यूनिवर्स भी रह चुके हैं। साथ ही साथ सत्यपाल नाम के भी हमारे एक इंडियन एथलीट है जो कि नेशनल चैंपियन है, उनको भी मनोहर एच ने ट्रेन कर रखा है। तो इस तरह फिर पूरी ज़िंदगी भर मनोहर एच ने ट्रेनिंग दी लोगों को और बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन करा करते थे अपने घर के ही उनके जिम में। तो अगर मैं पर्सनल लाइफ की उनकी बात करूं तो उनकी बीवी थी और 4 उनके बच्चे थे, 2 लड़के 2 लड़की। और मनोहर एच हमेशा से चाहते थे कि मेरे भी दोनों बेटे बॉडी बिल्डिंग में जाए, पर उनके बेटे जो हैं वो जिम चलाते हैं मनोहर एच का, या फिर अखाड़ा वगैरह चलाते हैं, ये सब करते हैं, उन्होंने कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं करी। और 1991 के ईयर में मनोहर एच बीजेपी के इलेक्शंस में खड़े हुए थे, तो उसमें वो जीत नहीं पाए, हार गए थे उन इलेक्शंस में। मनोहर एच ने पूरे लाइफ टाइम कम्पीट करा है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। मैं आपको बताऊं कि 1987 का भी एक ईयर था जिसमें कि उस टाइम पे मनोहर एच 74 ईयर्स के थे और WPF ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट करवा रही थी, तो वहाँ उनको यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वाइट किया गया। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे WPF के, वो हैरान थे मनोहर एच की फिजिक देख करके कि 74 साल का या 75 साल का एक आदमी इतनी अच्छी फिजिक में कैसे हो सकता है। तो फिजिक उन्होंने हमेशा अपनी डेवलप्ड रखी, तो वो कम्पीट करा करते थे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में हमेशा, इन्विटेशनल बेसिस में या दूसरे किसी भी कॉम्पिटिशन में। इसके बाद मैं आपको बताऊं 2003 के ईयर में भी उन्होंने कम्पीट कर रखा है, लास्ट बॉडी बिल्डिंग शो था उनका और उस टाइम उनकी उम्र थी 89 ईयर्स, उस टाइम भी उन्होंने कम्पीट कर रखा है ऐसा बताया जाता है। और जब वो 90 साल के थे तो एक स्प्रिंग पुलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉन्टेस्ट था जिसमें कि उन्हें स्प्रिंग को खींचना था, 275 lbs का उसमें टेंशन थी, तो उसको उन्होंने खींच के तोड़ दिया और उसमें जीत गए 90 ईयर्स की एज में, बता रहा हूँ मैं। तो उनके फिट रहने का हमेशा से राज ये था मनोहर एच का, वो बताते थे कि अच्छी डाइट फॉलो करना, फ़िश वगैरह लेते थे, मिल्क लेना, हरी सब्जियां खाना, जैसे पता ही होता है हम सबको एक टिपिकल डाइट जो होती है, अच्छी डाइट फॉलो करना, और पूरी ज़िंदगी भर ट्रेनिंग करते थे वो। तो यही बताते थे कि एक्सरसाइज करना पूरी ज़िंदगी भर, वेट लिफ्टिंग करना, साथ ही साथ अच्छी डाइट फॉलो करना जीने का एक राज है, लंबा जिया जा सकता है इस तरीके से।
और यही उन्होंने करा। 104 साल की एज तक मनोहर एज जिंदा रहे। 2012 में वो सैनिटेरियन बन गए थे। सैनिटेरियन उसको कहते हैं जो सेंचुरी लगा दे जिंदगी में, जीने की सेंचुरी, यानी 100 साल का हो जाए पूरा। तो 2012 में वो 100 साल के हो गए थे और इस चीज़ का अवार्ड उनको 2015 में मिला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उनको ये अवार्ड दिया था। उसके कुछ टाइम बाद तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी नहीं रहे, लेकिन फिर मनोहर एज साहब की अगर मैं बात करूँ तो 2016 में जाके उनकी डेथ हुई थी कोलकाता वेस्ट बंगाल में 104 साल की उम्र में। मैं आपको बताऊं, मनोहर एज का आखिरी सपना था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से मिलना, क्योंकि मनोहर एज भी कभी मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी 5-time मिस्टर यूनिवर्स है। तो वो उनका सपना था जो नहीं पूरा हो पाया। तो दोस्तों, यही था कंप्लीट मनोहर एज के बारे में। और जितना लंबा ये जिए हैं और जितना अच्छे से जिए हैं, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। इस उम्र तक 100 साल की एज तक भी वो एकदम सही लगते थे देखने में, और हाथ पैर चलना बहुत बड़ी बात है इस उम्र तक भी। और उन्होंने कभी टेंशन नहीं ली लाइफ में, सबसे बड़ी बात उनकी यही थी। अच्छा खाना पीना करा और अपने काम के लिए वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, समर्पित थे एक तरह से, और अपने उसी काम को, काम के लिए बहुत पैशनेट थे वो सबसे पहली बात। और जिम में ही अपना पूरा टाइम वो स्पेंड करा करते थे, ट्रेन करते थे लोगों को, अभी तक भी करते थे वो ट्रेन। तो काफ़ी बड़ी बात है, एक अच्छी लाइफ जीना भी अपने आप में बड़ी बात है कि अच्छी लाइफ उन्होंने जी और टेंशन फ्री उन्होंने लाइफ जी है, इसीलिए लंबा जी गए, मेरे को तो यही लगता है। बाकी काफ़ी उन्होंने कुछ करा है, देश के इतने पुराने मिस्टर यूनिवर्स चैंपियन थे वो, हमारे देश के नामी बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन करा है मनोहर एज साहब ने। साथ ही साथ 89 ईयर्स की एज में भी उन्होंने कम्पीट करा बॉडी बिल्डिंग के शो में, किसी शो में। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, और इस टाइप से हम कहाँ एग्जांपल देख सकते हैं किसी और का। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी एज तक आदमी जी नहीं पाता और इन्होंने कम्पीट करा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमें हमेशा गर्व रहेगा मनोहर एज के जो अचीवमेंट्स थी हमारे देश के लिए, उन्होंने जो भी करा। तो बस दोस्तों, यही थी मनोहर एज की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए थॉट के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।